माई को छोड़ देंगे और मेहरारू को मनाएंगे। बैठिए बैठिए, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। देखिए इनका दोष नहीं है, दोष जैसन गुरु वैसन चेला, मांगे ले गुर ले आवे ले ढेला, रोने लोग सुन ले होके। इनका गुरु जी के इंटरनेशनल नाम बा, तो नाम बताइए अपना गुरु जी के। मेरे गुरु जी श्री श्री एकलाखाट श्री आसाराम बापू जी महाराज। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आप लोग। बताइए ये संत आसाराम बापू के चेले हैं, वो फिलहाल अभी जेल में हैं, ये यहाँ अकेले हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। और कहते हैं संत आसाराम बापू की बात कि एक तो हम ब्रह्मचारी, जहाँ लड़की देखी वहीं आंख मारी, और पट गई तो हमारी, वरना फिर से हम ब्रह्मचारी। और क्या कहते कि सड़क हादसों में कुत्तों का अंत होता है, और लड़कियों से दिल लगाने वाला आसाराम बापू संत होता है, ऐसा कभी नहीं। सड़क हादसों में कुत्तों का अंत होता है, अमरजदवा में कंडक्टर वही बनता है बस का जो सबसे बड़ा लंठ होता है। तो माँ का जगह कभी कोई बीवी ले ही नहीं सकती है, ले सकती है क्या? अच्छा एक अगर कोई कहता है कि नहीं ले सकती है, तो एक ही प्रश्न पूछूंगी आपसे कि जब मेहरारू मर जाले तो बहुत लोग बाजे दोसर मेहरारू ले आवेला, माई के मरला के बाद दोसर आपन माई आई का आ सकती है? तो मेहरारू दू गो चार गो दस गो हो सकती है, लेकिन माई एक ही होई। काहे कि कहल बा कि जे जियरा जरावे उ जाई हो, आ जे भाईचारा निभावे उ भाई हो। अरे बोला भैया, माई ऐसे ही कोई ना हो जाला, जे ममता लुटावे उ माई हो, अपने माता पिता की। लेकिन आज जमाना डियन भैया उल्टा हो गया है। क्या हो गया है सुनिएगा, कि औलाद की खातिर इंसान। आज आंसु भैया आयांस और अन्या का जन्म दिवस, पांचवा जन्म अवतरण दिवस इतना धूमधाम से मना रहे हैं कि अगल, अच्छा उनका पहला, लेकिन देखिए कितना भाग्य है इनका, सौभाग्य, टू इन वन, दो दिन जन्मदिन मनाए के पड़े थे, एक एक खर्चा में दोनों पार लग जाता। एक बार ताली बजा दी आंसू भैया खातिर, जोरदार ताली। एक देखिए ये मेरे लाइफ का दूसरा कार्यक्रम है जिसमें ऐसा कोई इंसिडेंट है। एक और मैंने कार्यक्रम किया था चकिया में, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई, और उसी दिन पैदा हुई जिस दिन उनका जन्मदिन था। क्या बात है, तीन तीन एक साथ। इतना ही नहीं, वही दिन उन दोनों का शादी भी हुआ था। तो एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। देखिए ये भाग नहीं सौभाग्य की बात है। आज महंगाई बढ़ गई बबुला भैया, बेटा के जन्मदिन मनी बेटी नाराज हो जाई, बेटी के मनी बेटा नाराज हो जाई, दोनों के मनी तो पॉकेट नाराज हो जाई। पैसा में मतलब पॉकेट में पैसों तो होके चाहिए, लेकिन भगवान ऐसा भाग्य सबके देश कि टू इन वन, एक एक खर्चा में सारा काम निपट जाओ ना। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की जय। तो आज का समय बड़ा अपोजिट हो गया है, कहते सुनिएगा कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, फिरता है ना। अगर कोई के बियाह हो जाए, जैसे हमारे बियाह भइला पांच साल ले बबुआ ना भइल, तो लोग हमरा के कहे एकर मुंह देखल बेकार बांजिन बियाह। यहाँ तक कि हमारा पप्पू बिहारी जी के दोसर बियाह हो करे के साजिश चले लागल रहे, साजिश जो कि हम धीरे से सुन ली, हमरा के बतावल ना जाए, लोग कहे एकरा के छोड़ दे, लड़का नहीं होते एकरा के रख के का हो। तो ये मेरा ही दुख नहीं है, जिन जिन औरतों को संतान नहीं हो रहा ये हर औरतों का दुख है। तब क्या होता है जब औलाद नहीं होता है, तो लोग ओझा बैद डॉक्टर नीम हकीम तीर्थ धाम चारों तरफ घूमे लगेला एगो बबुआ खातिर, कि भगवान हमरा के एगो बबुआ दी हो। और उहे कुछ बबुआ लोग हो जाता जे बाप मतारी के वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाता, एक बार ओहो औलाद लोग खरी, जोरदार ताली लोग बजाइए दी धिक्कार बा, माई बन जाली वाह, भोला भैया करी जोरदार ताली भाव बा। कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
खुशी के लिए कितना बड़ा आयोजन कर दिया इनके पिता आसू बाबू ने, किया है ना, उन लोगों की खुशी के लिए कि मेरे बच्चों को खुशी मिले, मेरे समाज का लोग देखे कि हम अपने बेटा बेटी को कितना प्यार करते हैं। लेकिन आइए, बड़ी सुंदर सी बात है, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। आप बताइए, कभी कोई माँ ऐसा नहीं सोची होगी कि हम अपना बबुआ के परिछावन करत नहीं अपन पतो